पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये रही तीसरी तस्वीर। 500 रुपए की मोटी मोटी गड्डियां सजी हुई हैं। गड्डियों के पीछे जो लोग बैठे हैं वो विधायक बताए जा रहे हैं। गड्डियां देखकर तो ये पता चल गया कि पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना है ये बता पाना जरा मुश्किल है। लेकिन तस्वीरों के पीछे फेसबुक पर एक चौंकाने वाली कहानी बताई जा रही है। दावा कुछ ऐसा है कि मंच पर सजी नोटों की इन गड्डियों के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कर्नाटक के कोलर के कुछ विधायक हैं। इन लोगों को जैसे ही खबर लगी कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं, उन्होंने जरूरतमंदों को कर्ज के तौर पर पैसा बांट दिया ताकि बाद में काले धन को नए नोट के तौर पर वापस ले सके। वायरल हो रही इन तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, कोलर में आज सुबह विधायकों और नेताओं ने एक सभा का आयोजन किया और एक एक शख्स को 3 लाख रुपए कर्ज के तौर पर बांट दिए गए। वहां मौजूद लोगों को लगा कि ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये नोट अब बेकार हो चुके हैं और इन्हें बदलने के लिए बैंक में पहचान पत्र दिखाना होगा। मैसेज में लिखा है, ये राजनेता कितने बड़े अपराधी हैं, आप लोग खुद ही देखिए। तय है कि जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, इनके बारे में जो दावा किया जा रहा है उसे देखकर लोगों को गुस्सा आएगा। लोग हैरान हैं कि विधायक जैसे पद पर बैठकर कोई जनता के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। कई अखबारों ने इस कहानी को ऐसा ही बताकर पेश किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस खबर की पड़ताल की। तस्वीरों में मंगलपेट के एमएलए और कांग्रेस के नेता एसएन नारायण स्वामी के अलावा बैंक के प्रेसिडेंट पहला हल्ली गोविंद गौड़ा भी है। लेकिन सवाल ये कि अगर नेता पैसा बांट रहे थे तो बैंक के प्रेसिडेंट वहां क्या कर रहे थे। दूसरी गौर करने वाली बात ये है कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर इसमें 100-100 के नोट की गड्डियां भी हैं। अगर 500 हजार के नोट खपाने ही थे तो लोग 100 की गड्डियां लेकर मंच पर क्यों जाते। दरअसल ये कोलार में ये कार्यक्रम सोमवार को हुआ था, जबकि नोट बंद करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने मंगलवार रात को की थी। अखबार में भी इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। मकसद था स्वयं से ही संस्थाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने का। लोन प्रक्रिया के तहत उन्हें चेक बांटे गए और चेक की रकम मुहैया कराने के लिए वहां नकद राशि भी रखी गई थी। कोलार जिले के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एबीपी न्यूज को बताया कि उनकी जांच यही सामने आया है कि ये पूरा कार्यक्रम 7 नवंबर का है, यानी नोट बंद करने के ऐलान के एक दिन पहले का। हालांकि कर्ज बांटने वाले कोलार एवं जिला सहकारिता सेंट्रल बैंक पर आरबीआई के दिशा निर्देश न मानने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक लोन चेक के जरिए ही देने के निर्देश हैं। लेकिन तस्वीरों को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। हमारी पड़ताल में वायरल कहानी झूठी साबित हुई है।